नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुश दुबे और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार अमित पांडे जी। तो आइए जिनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। भोजपुरी भाषा के समझे वाला बोले वाला जितनी भैया चाचा बानी जा सभी यूपी बिहार के हमारे चर्चा चैनल की तरफ से और हमारे आराध्या स्टूडियो की तरफ से हम अमित पांडे सब लोगन के सादर प्रणाम करता नहीं। बहुत ही अच्छा लगल आज चर्चा के माध्यम से कुछ आधेड़ी बड़े भैया दुबे भैया से बातचीत हुई। आई जा देखी भैया कहाँ के रहने वाले आप? भैया हम तो बानी यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ जी। कितना दिन हो गए? चलो मैं तो हिंदी में बात करता हूँ, भोजपुरी में बात कर सकते हैं। एकदम भैया भोजपुरी तो हम भी बात करते हैं। कितने दिनों से आप गाना गा रहे हैं? वैसे तो गाना तो बहुत बचपन से गाता नहीं हम ना। प्रोफेशनल कब से आपने एल्बम गाना स्टार्ट किया? यही लगभग चार पाँच साल से जी। आपने अभी किस किस कंपनी से गाने गाए हैं? अभी मेरा वेब से भी आया, टीएफ से भी किए हैं और तमाम भी कंपनियां कुछ याद नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपका किस कंपनी से गाना आने वाला है? अभी हाल फिलहाल में हमारे आराध्या स्टूडियो के माध्यम से गाना है। तो गाना रिलीज हो गया या आने वाला है? रिलीज एक गाना हो गया है, अयोध्या राम मंदिर पे था। आपको याद है वो गाना? वो गाना याद है। अगर याद हो दो लाइन हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। सुना दे रहे हैं। गठबंधन को मार गिरा के हमने जीती लड़ाई है, गठबंधन को मार गिरा के हमने जीती लड़ाई है, बनेगा अब की अयोध्या मंदिर जन जन को बधाई है, बनेगा अब की अयोध्या मंदिर और झूमने लगा है आज सारा हिंदुस्तान हो, हर हर मोदी बोले दुनिया जहान हो। यही है पांडे जी। ये गाना कहाँ से रिलीज हुआ है आपका? आराध्या म्यूजिक। अच्छा, आराध्या म्यूजिक रिलीज हुआ है। और आपका गाना कहाँ से? वहीं से आने वाला है। और हाँ जी, अब तो वो भी गाना आपको याद है? हाँ, ये गाना है आजमगढ़ में, हमारे बड़े भैया बड़े भाई ने, मेरा पिता है जी राहुल भैया जी, हम लोग ने बैठ करके भैया ने कंपोज किया, बोला कि मम्मी कुछ ऐसा मैटर है कि सारा कोई मार्केट में कुछ फाड़ू हो तो आजमगढ़ में डल्डा फेंका, जैसे डल्डा निकाल जी कुछ गाना है। कैसे मुकड़ा सुनाइए? मुकड़ा है जी। हो दी आजमगढ़ के लोगवा गोरी मरद होले खाती, भौके चपी है ऐसे तहरा हाई जाई खासी, घुरिए के बेरिया में चकरा जाइबू, आजमगढ़ में आके डल्डा निकाल जाइबू, आजमगढ़ में आके डल्डा निकाल जाइबू। ये गाना किसने लिखा है? ये गाना बट हम दोनों भाई मिल के लिखे हैं। कहाँ से रिलीज हो रहा है? आराध्या म्यूजिक में। इस गाने का मतलब क्या समझा सकते हैं? ये गाना है कि आजमगढ़ में डल्डा निकाल जाइबू। डल्डा मतलब क्या होता है? डल्डा मतलब है भोजपुरी माटी में कल जला घी, तो ये डल्डा भी कल जला। पूरा इसका अर्थ क्या है गाने का? गाने का अर्थ है कि वो आती है जो भी है डल्डा लेके आती है, जैसे जो होती है गांव की लड़की होती है कि दही माठा सब बेचती है चौराह पे, लेके गल बल्टी के डल्डा क्योंकि पलटी के दिलस वे भाव के डल्डा निकाल जी। तो मतलब कि आपका भाव यह है कि गांव की जो लड़कियां दूध दूध लेके आती है उसमें जो घी निकलता है उनका फिर डालडा बनता है जी, जी। आपका मतलब ये है क्योंकि ये डबल मीनिंग में जा रहेगा ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने पूछा। नहीं, हम जो भी है कि अपने श्रोता समाज को जो भी हम लोग देंगे तो एक अच्छा ही संदेश देंगे कि उनको मिले, भाई पब्लिक है, पब्लिक का देखने का नजरिया अलग है, कोई अच्छे नजरिए से देखता है, कोई खराब के नजरिए से देखता है। नहीं, फिर भी समझ में आना चाहिए ना पब्लिक क्या सुन रही है। पब्लिक बहुत सतर्क और सचेत है। तो आपने क्या संगीत कहीं सीखा है? हाँ, हमारे आजमगढ़ से आदरणीय गुरु राजेश मिश्रा, गुरु गंगाधर मिश्रा जी, उनसे आपने संगीत सीखा है जी। कितने दिनों तक आपने सीखा? ज्यादा नहीं, वो भी साल भर 6 महीने। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? हमारा फेवरेट सिंगर आदेड़ी बड़े भैया पवन जी हैं। उनका कोई गाना को याद है? है नहीं याद है। तो एक आध गाना कोई सुनाइए। मिला था खाक में जिंदगी, जीवन मशहूर हो जाई,
करी जब याद कुर्बानी जवाना लोड ढर गई है के बा दीदी भोरे से ही यह तैयारी जी जीजा लेके आई जल्दी गाड़ी जी जाए के बाद घर न बतिया भूलई ह जाए के बाद घर न बतिया भूलई ह हरी हरियर हरियर चूड़ी आए जीजा हमरो के ले आई ह हरियर हरियर चूड़ी आए जीजा हमरो के ले क्या बात है। ये गाना काफी हिट हुआ था पवन जी का जी जी और काफी चला था, काफी मार्केट में बजा था। अभी जहाँ भी प्रोग्राम शो करने जाते हैं इस दूर से लोग सुनता है तो बोलता है पवन में गावत है। अच्छा, बहुत खुशी मिलता है कि भैया का यानी कि गुरु मानते हैं बड़े भैया को। एक स्टेज का क्या चार्ज करते हैं? यही बट 70-80 हजार। 70-80 हजार तो पूरी टीम के साथ में? पूरी टीम के साथ में, पूरी टीम के साथ में जी। तो अगर आपका स्टेज करना चाहें तो कहीं भी आप जाके कर सकते हैं या कहीं क्षेत्रीय खाली वहीं पर? नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। कहीं हम पब्लिक के लिए है तो पब्लिक के लिए कहीं भी बुलाएगी तुमको जाना पड़ेगा। मेरा पब्लिक ही मेरा भगवान है, पब्लिक ही मेरा सब कुछ है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई अपना गाना फेवरेट जो आपने कभी गाया हो पहले वो सुनाना चाहें, कोई गाना आपका? जी, एक बार हम गए रहें बहुत छोटा से नहीं 13 साल के रहे, महुआ चैनल के ऑडिशन शुरू रहे हले पे धला। अच्छा, तो मैं गाना गले रही गोरखपुर से रहे हमने की चुनाव। अरे बम्बई बिहार बलिया, बम्बई बिहार बलिया, हिले टाटा झरिया हो जब कमरिया हिलेला, हो जब कमरिया हिलेला, हेलो गवा मारे जब नजरिया दिल्ली शहरिया हिलेला, होलो गवा मारे जब नजरिया दिल्ली शहरिया हा। क्या बात है, अभी गाने की टेक्निक मतलब की अलग है, सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। चलिए, आशा करते हैं कि आप भोजपुरी के बड़े स्टार बनिए, नाम करिए अपने गांव को, माता पिता का। और बस आपने इतना टाइम दिया चर्चा में, आप हमारे चर्चा में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तहे दिल से शुक्रिया।